इमेज को एनिमेशन वीडियो में बदलने के लिए या फिर किसी भी टेक्स्ट को एनिमेशन वीडियो में बदलने के लिए आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी, जिसमें आपको अलग अलग एआई टूल के बारे में बताया गया होगा, जिन एआई टूल की मदद से आप एआई एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। उनमें आपको कुछ टूल पेड मिले होंगे और कुछ आपको फ्री भी मिले होंगे। इन फ्री एआई टूल में एक टूल है पिकालैब। आप पिकालैब में अपनी किसी भी इमेज को एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी टेक्स्ट को आप एनिमेशन वीडियो में बदल सकते हैं। लेकिन पिकालैब में आपको एक समस्या आती है कि आप उसमें वीडियो सिर्फ 3 सेकंड तक ही बना सकते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों का ये कमेंट होता है, ये सवाल होता है कि 3 सेकंड की वीडियो से वह क्या कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पिकालैब में आप कैसे किसी भी लेंथ की एनिमेशन वीडियो बना सकते हैं। और वह एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए अब हम चलते हैं पिकालैब में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिकालैब का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ ज्वाइन बेटा पे क्लिक करना है और यहाँ से इनके डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लेना है। अगर आपका डिस्कॉर्ड पे पहले अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको पहले अकाउंट बनाना होगा। अगर अकाउंट बना हुआ होगा तो डायरेक्ट आपको एक्सेप्ट इन्वाइट का ऑप्शन आ जाएगा। एक्सेप्ट इन्वाइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप पिकालैब के डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ जाएंगे। यहाँ मैंने और भी डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन किया हुआ है तो यहाँ पर उन सबके लोगो दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने भी किया हुआ होगा तो आपके सामने भी ऐसे लोगो आ जाएंगे। आपको पिकालैब के बारे में कैसे पता चलेगा, तो पिकालैब का ये बिल्ली वाला ऑप्शन होगा, बिल्ली वाला लोगो होगा, इस पर आपको क्लिक करना है तो पिकालैब के सर्वर पर आप आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है और आपको यहाँ पर मिलेंगे Generate 1, Generate 2, Generate 3, इस तरीके से चैनल बने हुए हैं। आप किसी भी एक चैनल पर यहाँ क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर देखो कर्सर ये ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें अपनी इमेज से यहाँ एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर टाइप करना है /create, उसके बाद आपके सामने ऊपर ऑप्शन आ जाएगा /create prompt। हमें यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ ऑप्शन आएगा +1 more, इस पर क्लिक करना है। ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा हमें इमेज का, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमें अपनी उस इमेज को लाना है जिस इमेज को हमें यहाँ पर एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपनी उस इमेज को ले लेते हैं जिस इमेज को हमें अपनी एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट करना है। तो इस इमेज को मैं यहाँ पर लेकर के आ जाता हूँ। अब हमारी इमेज यहाँ पर आ गई है। अब देखो नीचे आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रॉम्प्ट का, इस पर हमें क्लिक करना है। अब हमें यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट डालना है जैसे ही हमें अपनी इमेज यहाँ पर कन्वर्ट करनी है। लेकिन अक्सर अभी यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी ये वाली इमेज यहाँ पर आ रही है सुपर वूमेन की, तो जैसे कि ये उड़ रही है तो लोग बाग यहाँ पर लिख देते हैं कि सुपर वूमेन फ्लाइंग या अपने अनुसार कुछ भी ऐसी चीज़ लिख देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी इमेज यहाँ पर वीडियो में कन्वर्ट तो हो जाती है लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेकार होती है। तो अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपको कैसे कन्वर्ट करना है तो इसके लिए भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप आई बटन पे देख सकते हैं। अभी हमें अपनी यहाँ पर फुल लेंथ की वीडियो बनानी है क्योंकि यहाँ पर ये एक बार में 3 सेकंड की वीडियो यहाँ पर जनरेट करके देता है। तो पहले हमें यहाँ पे 3 सेकंड की ही वीडियो जनरेट करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ। ये आपको प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्रॉम्प्ट के बारे में विस्तार से मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जैसा कि मैंने बताया कि आप आई बटन पे उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी एंगल से अपनी यहाँ पर एनिमेशन वीडियो जनरेट कर सकते हैं और एकदम HD क्वालिटी में अपनी वीडियो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट डालने के बाद अब यहाँ पर हम एंटर पे क्लिक करेंगे। अब कुछ देर के लिए यहाँ प्रोसेसिंग चलेगी, जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारी वीडियो कन्वर्ट होकर के हमारे सामने आ जाएगी। अब हमारी इमेज यहाँ एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है। एक बार हम इसे यहाँ से प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है, अब बाय चांस बहुत से लोगों को ऐसा हो सकता है कि आपकी वीडियो यहाँ ऊपर नीचे हो जाए तो आप अपनी वीडियो को कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये मेरा यूजर नेम दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से आपका भी यूजर नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर बाय चांस आपको आपकी वीडियो यहाँ नहीं मिलती है तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपने जो भी वीडियो अपनी जनरेट करी होंगी वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। आप डायरेक्ट यहाँ से अपनी वीडियो ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप अपना कर्सर यहाँ पे लेकर के आएंगे तो ये आपकी वीडियो डाउनलोड हो जाएगी।
इसी तरीके से अगर आपको यहाँ से डाउनलोड करना है तो यहाँ पर भी आपको सिंपल यही ऑप्शन होगा, कर्सर लेकर के आएंगे, डाउनलोड का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे अपनी वीडियो को। अब हमारी यहाँ पर ये इमेज वीडियो में तो कन्वर्ट हो गई है, लेकिन अभी हमारी जो ये वीडियो है 3 सेकंड की ही बनी है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वीडियो में मैं आपको फुल लेंथ की वीडियो बनाने के बारे में बताने वाला हूँ, तो इसके लिए अब हमें एक वीडियो एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोई भी वीडियो एडिटर ले सकते हैं, अभी मैं यहाँ पर मोवी वीडियो एडिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, जो वीडियो अभी हमने पिका लैब से बनाई है उसे डाउनलोड किया है, उस वीडियो को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल हम यहाँ लास्ट में आ जाएंगे, यानी कि बिल्कुल लास्ट के फ्रेम पे आ जाएंगे, और अब हमें अपनी इस वीडियो का यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसी तरीके से आपको भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वापस पिका लैब में आएंगे और वापस यहाँ पर टाइप करेंगे /create, वापस क्रिएट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से +1 more पर क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे, और हमने जो अभी स्क्रीनशॉट लिया था अपनी उस इमेज को यहाँ पर लेकर के आएंगे। अब वापस प्रॉम्प्ट पे आएंगे और अब हमें यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट लिखना है। इस बार हमें प्रॉम्प्ट में कुछ यहाँ चेंजेस करना है। जो यहाँ पर प्रॉम्प्ट है ये आपको इतना प्रॉम्प्ट तो ऐसे के ऐसे ही रहने देना है। अब देखो यहाँ पर ये सुपर वोमेन मूविंग फास्ट एंड फ्लाइंग एंड कमिंग फॉरवर्ड, तो हमने अपने प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है कि सुपर वूमेन यहाँ पर मूविंग हो रही है, फ्लाइंग कर रही है और ये सामने को उड़ करके आ रही है। इससे क्या होगा कि हमारी जो वीडियो है वो थोड़ा आगे की वीडियो बनेगी, यानी जो पहली वीडियो 3 सेकंड की बनी थी, अब जो हम दूसरी वीडियो जनरेट करेंगे तो एक तरीके से उससे अगला पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट उसका जनरेट होगा। अब वापस हम यहाँ एंटर पर क्लिक कर देते हैं और वापस वही कुछ देर के लिए यहाँ प्रोसेसिंग चलेगी और हमारी वीडियो यहाँ जनरेट हो जाएगी। अब हमारी दूसरी वीडियो भी यहाँ पे जनरेट हो गई है, इसे आप प्ले करके देख सकते हैं। अब इसे भी हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद वापस आएंगे अपने एडिटर में और अपनी उस वीडियो को यहाँ पे लेके आएंगे जो अभी हमने सेकंड पार्ट डाउनलोड किया था, और अब इस वीडियो का भी हम लास्ट में आके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और यहाँ से मैं इसका दूसरा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अब स्क्रीनशॉट ले लिया है, वापस आएंगे हम यहाँ पिका लैब में और यहाँ पर वापस हम टाइप करेंगे /create और वापस अपनी उस इमेज को यहाँ पे लेके आएंगे जो अभी हमने दूसरा स्क्रीनशॉट लिया था। और प्रॉम्प्ट में इस बार हम अपने प्रॉम्प्ट में और भी कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो है ये तो आपको रखना ही है, ये वाला जो प्रॉम्प्ट इतना आपको मिल रहा है ये तो आपको रखना ही है। अब आगे के प्रॉम्प्ट में हमें यहाँ कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि अब यहाँ पर ये पहले प्रॉम्प्ट में हमने लिखा था सुपर वुमेन मूविंग फास्ट एंड फ्लाइंग एंड कमिंग फॉरवर्ड, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाना है वही कि हमारी जो सुपर वुमेन है उड़ रही है और उड़ के ये आगे आ रही है, लेकिन इस बार हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पर 9 सेकंड की वीडियो बना करके अभी दिखा रहा हूँ। तो जो दो वीडियो मैंने जनरेट करी है, पहली वीडियो सिंपल जनरेट करी, उसमें मैंने यहाँ पर जैसे कि ये कमिंग फॉरवर्ड वगैरह नहीं लिखा था, सिर्फ सुपर वोमेन मूविंग फास्ट एंड फ्लाइंग इतना लिखा था। उसके बाद कमिंग फॉरवर्ड यानी कि दूसरी वीडियो में हमने दिखाया कि वो थोड़ा आगे उड़ करके आ रही है। उसके बाद अब यहाँ पर आपको कुछ और चेंजेस करना है, क्योंकि मुझे दिखाना है कि दो वीडियो मैंने आपको दिखा दी, फर्स्ट में लड़की जो है सुपर वुमन उड़ रही है, सेकंड में थोड़ा आगे बढ़ी, और तीसरे में अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उसका फाइनल स्टेप हो गया है। अगर आप इस फाइनल स्टेप को यहीं पे ख़त्म नहीं करना चाहते, यानी कि आपको 9 सेकंड से लंबी वीडियो बनानी है, 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, और आप यहाँ पर कुछ और तब्दीली करना चाह रहे हैं, तो आप अपने प्रॉम्प्ट में इस चीज़ को नहीं लिखेंगे। फिलहाल आपने जो यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट लिखना है, आपकी वीडियो में जो चीज़ आपको दर्शानी है, दिखानी है, वो चीज़ें आपको मेंशन करनी है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपका प्रॉम्प्ट भी आपकी यहाँ पर वीडियो को अच्छी तरीके से जनरेट करने में मदद करेगा। अब आपकी वीडियो में जो चीज़ आपको दिखानी है वही चीज़ आपको प्रॉम्प्ट में लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर ये सुपर वुमेन है तो मैं उस तरीके की ही यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ। अब आपको अपनी वीडियो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जनरेट करनी होगी, तो आपको जो प्रॉम्प्ट डालना है वो अपनी वीडियो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार डालना है। अब मैंने पहले में आपको दिखा दिया कि लड़की जो है सुपर वुमेन जो है वो फ्लाइंग कर रही है, सेकंड वीडियो में हमने दिखाया कि जो सुपर वुमेन है वो फ्लाइंग कर रही है और थोड़ा आगे बढ़ करके आ रही है। अब तीसरे में मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ कि जो सुपर वुमेन है वो फ्लाइंग कर रही है, आगे उड़ के आ रही है, और उसकी जो उड़ान है अब एक तरीके से वीडियो में ख़त्म हो गई है।
तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये कैमरा एंगल को लेना है। अब कैमरा एंगल आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी जो वीडियो है ये इस तरीके की है कि लड़की जो है वो उड़ के आ रही है, तो बिल्कुल हमारे पास आ रही है, हमें वो जूम इन करनी है, तो यहाँ पर कैमरा एंगल में जूम इन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इन कैमरा एंगल का आप अपनी वीडियो के अनुसार किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए मैंने पहले आपको बताया कि प्रॉपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप आई बटन पे देख सकते हैं। अपने कैमरा एंगल को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके अलग अलग एंगल से अपनी वीडियो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी इस वीडियो में जो सुपर वुमेन है वो उड़ के पास आ रही है, तो एक तरीके से हमें वो जूम इन करनी है, तो इसलिए मैंने कैमरा एंगल यहाँ पर जूम इन का इस्तेमाल किया है। वापस हम यहाँ एंटर पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगी और हमारी वीडियो जनरेट होकर के आ जाएगी। अब जो हमने अपना जूम इन वाला यहाँ पर इफेक्ट डालने के लिए यहाँ पर वीडियो बनाई थी वो आ गई है। एक बार मैं इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि लड़की यानी सुपर वुमेन उड़ रही है और उड़ करके वो सामने आ रही है। जूम इन इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अब हमारा आता है मेन काम। वापिस आते हैं अपने एडिटर में और अपनी तीसरी वीडियो को हम यहाँ पर लेकर के आते हैं। अब एक बार मैं आपको इन तीनों वीडियो को यहाँ पर पहले प्ले करके दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो वीडियो है वो जहाँ पर ये पहली वीडियो ख़त्म हो रही है और दूसरी वीडियो शुरू हो रही है, तो यहाँ पर साफ लग रहा है कि ये पहला कोई वीडियो ख़त्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है, तो हम इसे यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करना है, तो हम आते हैं ट्रांजेक्शन पर और यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ट्रांजेक्शन हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर क्रॉस फेड को इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब एक बार हम यहाँ पर वीडियो प्ले करके देखते हैं। अब देखिए ट्रांजिशन लगने के बाद यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी ये वीडियो का पहला पार्ट ख़त्म हो के कोई दूसरी वीडियो यहाँ पर शुरू हो रही है। बिल्कुल एकदम यहाँ पर ओरिजिनल एकदम रियलिस्टिक वीडियो लग रही है कि एक ही वीडियो है जो प्रॉपर चल रही है। इसी तरीके से आप अपने इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रॉम्प्ट में चेंजेस करके आप जितनी चाहें उतनी लेंथ की वीडियो बना सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि फुल लेंथ की वीडियो आप पिका लैब से किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। अपनी वीडियो को अच्छे से यहाँ एडजस्ट करने के बाद ट्रांजिशन वगैरह अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार लगाने के बाद आप उसे एक्सपोर्ट कर लीजिए और अब आप जहाँ चाहे अपनी इस वीडियो को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि फुल लेंथ वीडियो बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अब आप पिका लैब से फुल लेंथ की वीडियो बना सकते हैं। साथ ही ये उम्मीद भी करता हूँ कि वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।